हाय दोस्तों, मैं दिग्गज के चौहान रनिंग डिफेंस एकेडमी नीमच में आप सभी का तह दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि इंडियन नेवी ने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए न्यू वैकेंसी निकाली है, जो अप्रोक्सीमेटली 500 वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया के लिए निकली है। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और प्लस आपका क्या एजुकेशन है और आपके पास क्या होना चाहिए, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्लस आपका मेडिकल, सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अगस्त 2019 वैकेंसी है। इसमें 500 वैकेंसी के लगभग इसमें वैकेंसी आई है, ऑल इंडिया जॉब है। और इसकी एज रखी गई है 1 अगस्त 1998 से लगाकर 31 जुलाई 2002 के बीच में आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपका बोर्न 1 अगस्त 1998 से लगाकर 31 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए, वही बच्चे इसे अप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, उसमें आपका मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है, प्लस आपके पास मैथ्स में 60% होना जरूरी है, 12th में 60% होना जरूरी है, और विथ आपके पास केमिस्ट्री भी हो या फिजिक्स मैथ्स तो होना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री या बायो या CS हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन डेट इसकी है 14 दिसंबर से लगाकर 30 दिसंबर 2018 के बीच बीच में आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, फुल नोटिफिकेशन की तरफ से। चलो आगे हम इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसमें सैलरी एंट्री है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अगस्त 2019, फोर कोर्स कमेंसिंग अगस्त 2019। अब आपके एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी तरफ चल रहे हैं अपन। तो इसमें अनमेरिड मेल, मतलब जो जिनकी शादी नहीं हुई वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और लगभग 500 वैकेंसी की समथिंग आई है, और अगस्त 2019 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और बैच भी अगस्त 2019 का नाम रहेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें होना चाहिए आपके पास 10+2 में 60% होना चाहिए, और आपके मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, तो आपका जो स्टेट बोर्ड हो प्लस आपका जो CBSE पैटर्न हो, जिस बोर्ड से हो आप अप्लीकेबल हो। अब एज की बात करते हैं, 1 अगस्त 1999 से लगाकर 31 जुलाई 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 1 अगस्त और 31 जुलाई भी के दिन भी जो जन्म बच्चे का जन्म हुआ है वो भी अप्लीकेबल है। अब इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो 21,700 से 63,100 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। इनिशियल टाइम 21,700, आपकी बढ़ते बढ़ते 70,000 सैलरी समथिंग चली जाएगी। प्रमोशन इसमें होता रहेगा और इसका जो इंश्योरेंस वगैरह तो होएगा। अब सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें पहले एग्जाम होगी CBTE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके और हर एक क्वेश्चन का एक नंबर रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग रहेगी उन पेपर में, तो मल्टीपल चॉइस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको पेपर। तो आप जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज दीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में, या तो हिंदी या इंग्लिश। अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से आएगा साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। तो आपके पास 10+2 लेवल का रहेगा सिलेबस, जो 11th 12th का रहेगा, मैथमेटिक्स वगैरह साइंस और इंग्लिश। तो आप ये फॉर्म, आप इसका जो भी ये फॉर्म है और इसका जो डेमो टेस्ट देना चाहते हो तो ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट पर जाकर आप डेमो टेस्ट दे सकते हो, और ड्यूरेशन का आपका 1 आवर 1 घंटे का रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक नंबर में से 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक, अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की जाए तो उसके बाद जितने भी लड़के सिलेक्ट होंगे एग्जाम में उनका फिजिकल होगा। फिजिकल में 1600 मीटर रनिंग होगी, 60 मिनट में आपको 7 मिनट में आपको क्लियर करनी है रनिंग, उसके बाद 20 आपको उठक बैठक लगानी है, और 10 पुशअप लगा के आपका PFT कंप्लीट हो जाएगा। अब मेडिकल स्ट्रेंथ की बात करती है तो आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, और आप पहले किसी मेडिकल, जो भी आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स का मेडिकल हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में आप बाहर निकल चुके तो बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, और उनका पूरा डाटा उनके पास रहता है जिन बच्चे ने किया,
फॉर्म अप्लाई कर दिया है और जो पास भी हो गए सीबीटी तक अपना टाइम लगाया उन्होंने तो उनको बाहर निकल जाए, इसलिए बच्चे अपने दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों ने पहले मेडिकल में आउट है। अब बात करते हैं अपन इसके जो आइस टेस्ट की, तो आइस टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, पूरा फिजिकल फिट हो तो आइस फॉर्म को भरना आप, अन्यथा मत भरना। अब टैटू की बात करते हैं, तो टैटू आपके जो हथेली है, हथेली का जो बैकग्राउंड साइंड है पीछे का, वहां आपका टैटू चल सकता है और टैटू आपकी कलाई पे चल सकता है। उसके अलावा फिजिकल पे कहीं भी आपके शरीर में कहीं टैटू होगा तो वो नहीं चलेगा। अब ट्रेनिंग आपकी आईएनएस चिल्का होगी, अगस्त 2019 से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी फीस जो फॉर्म भरने की फीस है 205 रुपए है और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइंट इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक, और आपका रिजल्ट फटाफट आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो एग्जाम हो जाएगी फरवरी 2019 में, आपका एडमिट कार्ड आएगा 2019 जनवरी के एंड में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपका एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, एनसीसी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट, तो आप उसमें फॉर्म भरने टाइम अप्लीकेबल हो। और आपका जो शरीर में कोई टैटू है तो आप फॉर्म ये कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आपका मेडिकल होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, ठीक है, और आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की डेट है 14 दिसंबर 2018 से लगाकर 23 दिसंबर 2018 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। 10+2 मार्क्स के साथ में फोटो वगैरह, आईडी आपका जो भी प्रूफ है, www.joinindiannavy.govt.in इस वेबसाइट पर जाके आप अपने फॉर्म भर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के वगैरह के, जो साइंस के वगैरह क्वेश्चन डालूंगा, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।